हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और एक पॉजिटिव सोच में होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, और अपने सुखों को याद कर रहे होंगे और दुखों को भूल गए होंगे। इसी थॉट के साथ हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग है एज यूजुअल, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंसेस्टर्स, प्लीज गॉड, यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं, और क्या जो वो चाहते हैं वो पूरा होगा। देखो, चलिए देखने की कोशिश करेंगे। ये टैरो कार्ड्स हैं और इधर से मैंने दो टैरो कार्ड लिए हैं और साथ में लिए हैं ये जो एक तरह से कीपर्स कार्ड्स होते हैं, ये एक कीवर्ड्स कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी तरह से बता सकूं, ठीक है, उनको गाइडेंस दे सकूं, ताकि मेरा कोई वर्ड सुन के काम आ जाए। कोई एक वर्ड भी अगर किसी की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए या उसको उसके दुख में उसको एक मरहम का काम करने के लिए अगर काम आ जाए तो मेरी जो ये रीडिंग है वो सार्थक है। ठीक है, चलिए भगवान जी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, देखते हैं क्या एनर्जी आती है। ओके, देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, पहला ही कार्ड जो लिया है मैंने, लिया है या आया है भगवान जी ने, जो उसका ऊपर वाले का हुक्म है थॉट्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, नंबर है 16 जो बनता है 7, और ये साल भी आपको पता है केतु का है और 7 नंबर भी केतु का होता है। केतु होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं ध्यान आ रहा, ठीक है, नेपच्यून ग्रह पता नहीं शायद है ना। तो थॉट्स देखो, जब भी आपका, अगर आपके होरोस्कोप को आपको देखा जाए तो जब भी आपका केतु जो है किसी तरह से अफेक्टिव होता है, या फिर यहाँ पे देखो 16 और 7 नंबर सिग्निफिकेंट है, ये पहले आप ध्यान में रखो, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाते। यहाँ पे थॉट्स मतलब एक इंसान को उसके थॉट्स ने ही, कहते ना जहाँ सोच चेंज हो गई वहाँ हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाती, ठीक है। तो थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी, ये भी एक बात है, एवरी थॉट क्रिएट योर डेस्टिनी। अगर आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी है, अगर आप अच्छा सोचने की आपकी हैबिट है, और बुराई में भी आपको अच्छा सोचने की, तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते। यहाँ पे कहानी है थॉट्स की, आज की जो एनर्जी है वो थॉट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। कि आज की रीडिंग है कि यहाँ पे मुझे मेरे व्यूअर्स अपने थॉट्स में या तो बहुत नेगेटिव है या फिर डिप्लीट है। कई लोगों ने यहाँ पे देखो, अगर मैं 100% नहीं तो मैं 50% ऐसे लोग देख रही हूँ जो अपने मतलब टैरो सुन सुन के या गाइडेंस लेके या उन्होंने अपने थॉट्स को एक तरह से अपनी एनर्जी को अपराइट किया, अपलिफ्ट किया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अभी भी मैं देख रही हूँ 50% जो अभी अपने थॉट में ही उलझे पड़े हैं और उनको लगता है कि, उनको चाहे लगता है या नहीं लगता है, वैसे मैं आपको बताती हूँ कि उनकी इतनी जो सिचुएशन ख़राब नहीं है, जो उन्होंने अपनी सोच में ही सोच सोच के वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, अरे भाड़ में जाए जो कहते हैं कि तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें कोई खाना देने आ रहा है, तुम्हें कोई रोटी देने आ रहा है, आपको खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही रोटी पानी का जुगाड़ करना है, खुद ही अपना काम धंधा करना है, खुद ही अपने अपने लिए कमाना है, अपने बच्चों के लिए कमाना है। पहले तो अपने, कहते ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पहले तो अपनी थॉट्स को इस चीज़ से निकाल दीजिए कि दुनिया क्या कहेगी, ठीक है। खुश रहिए और ऐसा काम करिए जिससे कल आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा जो आपकी सोल है, वो आपको ना कहे कि आपने ये गलत किया, ठीक है जी। तो कोई भी काम जो आपको आपकी डिग्निटी से बिलो लगता है, डिग्निटी क्या होती है, देखो हर बंदे की डिग्निटी गरिमा अलग अलग है,
उसका लेवल रेशो अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको जो चीज़ आपकी डिग्निटी से बिलो लगती है उसको मत कीजिए, लेकिन सोचिए मत ज़्यादा, थॉट्स में ज़्यादा मत रहिए, प्रैक्टिकल होके रहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या आता है आपकी एनर्जी में, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। मैच्योर वुमेन, देखिए यहाँ पे मैं मैच्योर वुमेन का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, सिक्स नंबर इज सिग्निफिकेंट, पहले 7 नंबर और 6 नंबर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पहले 16, 7 और 6 नंबर सिग्निफिकेंट है। मैच्योर वुमेन का मतलब है, मैच्योर वुमेन का मतलब है आई डोंट हैव, सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं उधर मेरी बेटी कुछ पूछ रही थी तब मैं उसको बोल रही थी आई डोंट हैव। तो यहाँ पे मैच्योर वुमेन का कार्ड आया, मैच्योर वुमेन का मतलब है देखो, या तो जो मेरे ऑडियंस जो व्यूअर्स है मेरे फैमिली वो देख रहे हैं, वो हो सकता है कि काफ़ी मैच्योर है। देखियो मैच्योर का मतलब यहाँ पे खाली एज वाइज नहीं आ सकता, अगर एज वाइज भी हो सकता है कि आप लोग मैच्योर हैं, या फिर यहाँ पे आपको लगता है कि आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में, चाहे आपकी 22 साल की उम्र है, चाहे 23 साल की उम्र है, चाहे 24 साल की उम्र है, वहाँ पे आपने इतना कुछ देख लिया है कि आप जो है मैच्योर हो गए हैं, आपको लगता है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज है। और कई बार क्या होता है, देखो एक बार पहले भी मैंने शायद बोला था कि कई बार क्या होता है इंसान ज़्यादा समझदार हो जाता है ना, तब भी वो एक हर्मिट मोड में आ जाता है, वाइज हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तब भी वो अपने आप को अकेला फील करता है, अकेला फील। देखो जब वो महफिल में होगा, मतलब जब वो गैदरिंग में है, तब वो खुद को अकेला फील करेगा, क्योंकि उसको अगर वो मैच्योर है तो क्यों उसके जो थॉट्स होते हैं ना वो ही नहीं मैच कर पाते किसी से, जल्दी से उसकी आर्गू हो जाती है। तो तभी हम लोग बाप को बोलते हैं कि थोड़ा डिटैच होके रहना सीखिए, ज़्यादा वाइज ना ज़्यादा बेवकूफ़ बन के रहो, ना ज़्यादा समझदार बन के रहो कि हर बात पे ही आप एक जस्टिफिकेशन, हर बात पे ही एक थॉट, हर बात पे ही एक सोचना मत शुरू कीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैच्योर वुमन का कार्ड ये दिखा रहा है, मे बी हो सकता है आपने अपनी लाइफ में इतना सफ़र कर लिया कि आपको लगता है, इतना कुछ सीख लिया आपने अपनी लाइफ से कि आपको लगता है कि आप वक्त से पहले ही काफ़ी मैच्योर हो गई हैं, या आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा जो है एक डेवलप हो चुकी है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, वाओ ये तो सबको ही चाहिए, ये बॉटम में कार्ड आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम, या तो आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी लाइफ में आ रही है, या आप चाहते हैं कि आपकी कोई लॉटरी लग जाए, या आपको कहीं से इकट्ठा पैसा आ जाए कि आप अपना कोई बंगलो नहीं, चलो बंगलो तो सारे बंगलो वाले नहीं होंगे, घर खरीद लें, या ऐसा इस टाइप से। 7-2 मीन्स 9 नंबर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए रेमेडी है। देखिए जो मेरे को रेमेडी, आप हनुमान चालीसा करें डेली अपने घर में, अगर आप चाहते हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 7+2 9 नंबर बनता है, 9 नंबर होता है मार का, मार होता है मंगल का। तो यहाँ पे जो मुझे चैनल हुआ है, आपका बिलीव है, अगर आपको करनी है तो आप करें, तो अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो जो भी आपका एक अनएक्सपेक्टेड इनकम, वैसे तो आ ही रही है आपको, क्योंकि देखो कार्ड आया, एनर्जी आई है ना कि अनएक्सपेक्टेड इनकम या आप चाह रहे हैं या आपके पास आ रही है, तो अगर आपके पास आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि आपके पास आए कि मैं अपना ये काम कर लूँ, अपना ये काम कर लूँ, तो आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिए, ठीक है। जो मेरे मोमडन भाई बहन हैं वो भी देखो प्रेयर्स तो वो लोग करते ही हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपना जो है अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, हर कोई जो है धर्म को मानता है, और कहते हैं ना मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मज़हब का सबसे पहला सबक यही है कि हम आपस में प्यार करें, ज़्यादा रैग पिकर की तरह दूसरों की गलतियों को ही ना देखें, उनकी अच्छाइयाँ भी देखें, क्योंकि जब हम अच्छाइयाँ देखना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर बुराइयाँ कम हो जाएंगी। जैसे एक रैग पिकर होता है ना, मतलब एक कूड़ा बिनने वाला, वो क्या कूड़ा उठाता है, ठीक है, तो हम भी कूड़ा ना उठाएं, हम एक होली हंस बने, होली हंस मतलब एक पवित्र हंस जो मोती चुनता है। तो आप लोग भी अपना जो है सोचना इस तरह से बनाएं कि आप जो है किसी की ज़्यादा बुराइयों पे क्योंकि फोकस ना करें, ताकि वो हमारे अंदर ना आ जाए, क्योंकि जिसको हम थॉट देते हैं, जिसको हम एनर्जी देते हैं, वही चीज़ बढ़ जाती है। तो मैनिफेस्टेशन जो है आपकी वेल्दी में,
नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वेल्दी मैन, मे बी हो सकता है आप किसी वेल्दी मैन से डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही वेल्दी बनने वाले हैं, वेल्दी मैन बनने वाले हैं, ठीक है। 3+1 फोर नंबर इज सिग्निफिकेंट, 4 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 13 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड 3 नंबर। तो ओके, ये होगी आपकी एक तरह से जो मैं एनर्जी मैंने पिक करी है। अब देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में या लाइफ में, जो भी मुझे दिखेगा वो मैं देखने की कोशिश करूँगी। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, किस चीज़ के थॉट्स जो हैं उनको परेशान कर रहे हैं और वो थॉट्स में उलझे हुए हैं, या क्या चाहते हैं, क्या उनकी वरी है, क्या टेंशन है, क्या खुशी है, क्या गमी है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, देखिए पहला ही कार्ड जो मुझे मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ की काफ़ी एनर्जी, क्योंकि पहला भी अनएक्सपेक्टेड इनकम आया, वेल्दी मैन आया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक, मैंने जैसे पहले बोला कि उनको लगता है कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम उनके पास आ जाए या वेल्दी हो जाए, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिले जिसके थ्रू वो वेल्दी हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग अपनी वेल्थ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन साइन हो सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई मतलब पैसे से संबंधित कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसमें उनको लग रहा है कि वो काफी ट्रैप्ड हो गए हैं, मतलब या तो उनका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि वहां से पैसा जो है उनको मिल जाए। इस टाइप की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मतलब हुआ ये काम उनकी इमेच्योरिटी के कारण है। इमेच्योरिटी मतलब जैसे होता है ना इंसान की, मतलब इंसानों को समझ नहीं पाता, तो वहाँ पे या फिर किसी के ऊपर कोई कर्जा है, यहाँ मैं देख रही हूँ, तो उनको लग रहा है कि कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आए और वो कर्जा उतर जाए। यहाँ देखो पेंटिकल का मतलब खाली पैसा नहीं होता, पेंटिकल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टी हम किसको समझते हैं, जिसके पास हमारा दिल होता है, चाहे वो कोई हमारा बच्चा है, चाहे हमारा पति है, चाहे हमारा भाई है, चाहे हमारा बहन है, कोई भी है जिसके पास, या फिर कोई हमारा क्रश है या हमारा लवर है जिसके पास हम अपने अपने दिल को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये भी बताता है कि हो सकता है जो इंसान आप जिससे बहुत जुड़ाव महसूस करती हैं या काफ़ी एक पुल महसूस करती हैं, वो इंसान ने आपको बड़ा लाइटली लिया है और आप एक पेज की एनर्जी में उसको पाती हैं, मतलब एक मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं है और आप उसको मैच्योरिटी के लेवल तक लाते लाते आप खुद बहुत मैच्योर हो गए हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है पेज की एनर्जी में है, या फिर अगर आपका कोई लव पार्टनर तो आपसे एज में छोटा है, या फिर आप ऐसे इंसान से डील कर रही हैं, या फिर कोई इंसान ऐसा है जो आपसे मैच्योरिटी में या एज में छोटा है, आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या ऑलरेडी है, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में या करियर लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके ओके ओके, मैं ये सारे ही कार्ड लूँगी, मेरी इंट्यूशन कह रही है। चलिए बॉटम में मुझे मिला है दोबारा से पेज ऑफ कप्स, देखा पेज 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 पेज। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान आपके लिए काफ़ी भावुक हो रहा है, कुछ देखो 10-10 का पोर्टल भी गया है, कुछ मतलब दिन ऐसे चल रहे हैं जो ये इंसान आपके लिए काफ़ी जज्बाती हो रहा है, ठीक है। इसको लगता है कि आप इसकी खुशी हैं, अगर आप इसके साथ हैं तो ये हैप्पी है, नहीं तो ये अनहैप्पी है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ फैमिली चाहता है, आपको फैमिली की तरह देखता है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, फिजिकली भी और इंटरनली भी, टू ऑफ वॉन्ट्स। लेकिन इस इंसान ने आपको अभी वेटिंग जोन में डाला हुआ है एक तरह से, उसने अब उसको खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि आपको उसने अपने घर में कहाँ रखना है। इट मीन्स क्या है, या तो ये इंसान मैरिड हो सकता है या आप मैरिड हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब सर्टिफिकेट नहीं कर सकते आप एक दूसरे के रिश्ते को अभी। टावर, द टावर, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है द टावर का, तो हो सकता है इसी वजह से ही ये कोई ऐसा शख्स है
या आप हैं, या आपकी सिचुएशन है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो वेल्दी है, जिसने आपको फॉर ग्रांटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हमेशा से एक इमेच्योरिटी दिखाई है, या फिर आप जो हैं, आपको लगता है कि आपने थोड़ी इमेच्योरिटी के कारण जो है आप चीज़ों को लोगों को समझ नहीं पाते, आप धोखा खा जाते हैं, आपको लॉस हो जाता है, लोग पैसों के कारण या किसी भी चीज़ के कारण आपको पागल बना देते हैं, आपकी लाइफ से एक खुशी जो है निकल जाती है, एक टावर मोमेंट आ जाता है, एक गैप आ जाता है, जो आपसे रिलेट हो वही लीजिएगा। देखिए यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है जो मुझे ये बता रहा है कि मे भी हो सकता है ये इंसान जो है, जिसके लिए अगर आप कोई इंसान है आपकी लाइफ में पर्टिकुलर, जिसके लिए आप फीलिंग रखते हैं या जिसके लिए सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप वो खुद भी हो सकते हैं कि आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं फॉरेन ट्रिप के लिए जाना है, फॉरेन ट्रिप के लिए नहीं जाना तो आपको ये इंसान जो है काफ़ी दूरी पर रह कर भी एक अपना सा लगता है, किसकी तरफ पुल लगता है, महसूस होता है। चलिए ये आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, देखो ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ जो भी कह लो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा ना, क्योंकि मेरे मुंह से वही निकलता है जो मेरे अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखिए सेवन ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या है, कभी कभी आपको लगता है कि आप ठगे गए, जैसे एक रॉबरी होगी और किसी को पता नहीं लगा कि आपके साथ हो गई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो गया कि आपको लगा कि आप लूट गए, मतलब कहने का मतलब आपको एक रॉबरी हो गई, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो आपके इमोशन से, आपकी भावनाओं के साथ। चलिए प्लीज, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिस इंसान ने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आप उसके साथ एक जुड़ाव, एक बंधन सा महसूस करते हैं कि आप चाह के भी उससे निकल नहीं पाते, ठीक है। आपको लगता है कि आपको उसी इंसान, उसी शख्स के साथ ही खुशी महसूस होती है, आपको वो आपकी फैमिली लगता है, ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, ठीक है जी। प्रिविलेज लेडी, ओके। देखिए अगर आप किसी इंसान के लिए सोच रहे हैं तो वो आपको काफ़ी इंट्यूटिव मानता है या मानती है, उसको लगता है कि आपके साथ जब वो होता है या होती है तो उसका गुड लक साथ देता है, उसको एक खुशी मिलती है, आप एक प्रिविलेज लेडी, एक प्रिविलेज लेडी की तरह, मतलब उसकी लाइफ में एक रोल अदा करती हैं, जिसमें उसको एक साथी, एक दोस्त, एक प्यारा सा इंसान, एक माँ, मतलब वो काफ़ी एक तरह की नर्चर वाली एनर्जी आपसे महसूस करती है या करता है, जो भी आपका लव पार्टनर है, ठीक है जी। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं, देखिए चाहते क्या हैं आप, आपको मैं बताऊं, आप अब आप पूछेंगे ना, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं सेलिब्रेशन, आप चाहते हैं चिल करना, आप चाहते हैं पार्टी करना, आप चाहते हैं एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से बाहर निकलना जो चल रही है। वो नो कॉन्टैक्ट आपका अपने से भी हो सकता है, वो नो कॉन्टैक्ट आपका किसी शख्स से भी हो सकता है, या आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट चल रहा है जब आपको काफ़ी लॉस महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए, या कोई ऐसा वेल्दी इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, या आप खुद इतने वेल्दी हो जाएं कि आपकी जो ये सिचुएशन है वो आप उससे बाहर निकल आए, ठीक है। यहाँ पे जैसा मुझे मिलेगा चैनल होगा मैं वही बोलूँगी, जो मुझे कार्ड में दिखेगा मैं वही बोलूँगी, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, ओके। देखिए अगेन थ्री ऑफ कप्स, दो बार थ्री ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखाता है कि आपको थर्ड पार्टी की बड़ी चिंता है। कई लोगों ने मुझे बोला है थर्ड पार्टी पे रीडिंग बनाइए, मैम थर्ड पार्टी, सॉरी मैं थर्ड पार्टी पे कभी भी रीडिंग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करती, जो चीज़ मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती वो मैं कभी नहीं करती, चाहे आप मुझे कुछ भी कहें, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है थर्ड पार्टी, और मेरा मानना है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, थर्ड पार्टी आपका अपना लव पार्टनर है, आपका जो वो इंसान है उसी ने ही आपको, या तो आपको थर्ड पार्टी में रखा है या आप थर्ड पार्टी हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी कुछ नहीं होती, कहते ना जहाँ चाह वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आपका पार्टनर आपको चाहता है, आपके साथ रहना, आपको कमिट करना, आपको प्यार देना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती,
ठीक है ना। थर्ड पार्टी कोई चीज ही नहीं है, आपका पार्टनर है जिसका एक कहीं तरह कहीं कोई मैच्योरिटी है, कोई बचपना है, या उसकी सिचुएशन है, वो आपको प्रायोरिटी नहीं देता, प्रायोरिटी किसी और चीज को देता है, वही थर्ड पार्टी है। आपको साइड पे रख के उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी अपने दिमाग से निकाल दो। यहाँ लोगों ने थर्ड पार्टी क्या कर रही, कई तो ऐसे चुटकले, कई टैरो रीडर इतने ज्यादा, मैं उनको किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, थर्ड पार्टी को ऐसे चुटकली सी कहानियां बना बना के पिक्चराइज करते हैं। थर्ड पार्टी सो नहीं पाई, थर्ड पार्टी ने ये कर दिया, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी। एक मैं आपको एक चीज छोटी सी बताती हूँ, थर्ड पार्टी आप भी तो हो सकता है। अगर आप किसी मैरिड वन से डील कर रहे हैं, अरे भैया उसका उसकी फैमिली, उसका घर, आप कितना भी उस इंसान से प्यार हो, आप कितना भी उस इंसान के साथ रहना चाहें, लेकिन अगर उसकी फैमिली है, अगर उसका घर बार है, तो आप थर्ड पार्टी हैं। और आप ही पूछ रहे हैं कि थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी कहां से हुई, थर्ड पार्टी तो आप हैं। तो कोई भी थर्ड पार्टी कुछ नहीं होती। अगर आपका इंसान, आपका पार्टनर, आपका जहां पे आपको रखता है, मतलब अगर आपको वो फ्रेंड जोन में रखना चाहता है तो आप फ्रेंड जोन में हैं, उसने आपको कभी चाहा ही नहीं कि आप उसके पार्टनर बने, तो यहाँ थर्ड पार्टी, मैं सॉरी, थर्ड पार्टी की मैं कभी रीडिंग नहीं करूँगी। इसके लिए बहुत कहते ना माजरत है, या वो है क्या उसको बोलते हैं, एक्सक्यूज है, मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, चलिए और देखते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ प्रोमिनेंट है, मीन्स या आप थर्ड पार्टी हैं, या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको वो आपसे ऊपर रखता है। ठीक है जी, ये उसकी फैमिली भी हो सकती है, ये उसकी कोई वाइफ, कोई बच्चे, कोई फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 of cups का ऑलरेडी हमारे पास कार्ड आया हुआ है। ठीक है जी, चलिए और बताइए भगवान जी। फिर थर्ड पार्टी, 3 of pentacles। देखिए 3 of pentacles का कार्ड हमें ये बताता है कि कई बार आपकी सोच, आपकी जो आपका जो दिमाग है वो काफी नहीं है। देखिए मेरा जैक भी बोलने लग पड़ा, डॉग मेरा बार्क कर रहा, तो वो भी एक तरह की कंफर्मेशन है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिला है वो बहुत ज्यादा सही है। वो ये मिला है कि 3 of pentacles का मतलब क्या है कि आप जो है, आप, मैं माना कि आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, इंटेलेक्चुअल है, आप वाइज हैं, लेकिन कई बार हमारी अपनी जो वाइज, अपनी जो समझ है वो काफी नहीं होती। कई बार हमें उसके लिए किसी और से भी एडवाइस ले लेना चाहिए। ठीक है, जहां पे मान लो आप बहुत ज्यादा डिप्लीट महसूस कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग करवाएं, या आप अपनी हीलिंग खुद करें। इतने सारे YouTube पे वीडियोस हैं, और सबसे अच्छी हीलिंग क्या है कि आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठ के किसी पार्क में जाएं, वहाँ खुद को मेडिटेट करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपने थॉट्स को, क्योंकि मेन यहाँ थॉट्स का सिलसिला है, यहाँ पे एनर्जी जो पिक हुई है वो थॉट्स की है, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ 3 of pentacles देखो ना, ये दो औरतें, या दो जो ये बुरका पोश है या औरतें हैं, ये इस शख्स के पास गई हैं। और ये देखो, ये शख्स, आप ध्यान से देखिए इस कार्ड में, ये इंसान जो देखेंगे आप, इस मतलब इन लोगों से ऊंचाई पे है। इसका मतलब क्या है कि आप, अगर आप इस अपनी सिचुएशन में खुद उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो आप किसी से एडवाइस ले सकते। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को। अब हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। लाइक कर दिया करें अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो, अगर नहीं अच्छी लगती तो मत कीजिए। देखिए यहाँ पे आया है मजिशियन का कार्ड और आया है रिवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो आप सबसे पहले अपनी जो, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को मतलब एक तरह से अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा जो है मेडिटेशन करके, या कुछ एक पॉजिटिविटी में आ जाइए, तो जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में जो है खुद ब खुद चीज़ें आप
सॉल्व हो जाएंगी, और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि देखो ना, जैसे ही आप पॉजिटिव थॉट्स में आते हैं तो आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे। तभी यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, और रिवर्स में इसलिए आया है कि आप अगर नेगेटिविटी में हैं, सॉरी फॉर नॉइस पर मैं क्या करूँ, है तो अगर आप नेगेटिविटी में हैं तो नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस है, और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड और यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, जो मुझे एक तरह का कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, या तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप किसी के लिए कोई मैरिज जो है, किसी की मैरिज हो सकती है यहाँ पे, या सेटल हो सकती है मैरिज टाइम, मतलब जैसे होता है ना एंगेजमेंट हो गई, ये देख रही हूँ मैं उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। या फिर अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे एक सेलिब्रेशन मोड आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। तो अपने थॉट्स को इस टाइम के दौरान काफ़ी पॉजिटिव रखिए, ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हों और नेगेटिव ना हो। और अगर नेगेटिव चल भी रहा है तो देखिए, आप अगर पॉजिटिविटी में रहेंगे तो वो बुरा वक्त भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और आप उस टाइम को, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, खुशी खुशी निकाल लेंगे उस टाइम को, ज़्यादा पेन में नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉटम में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि जिस चीज़ के लिए आप पैशन रख रहे हैं, जिस चीज़ का आप एक पैशन के साथ वेट कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। मे भी हो सकता है, देखो अगर आप किसी शख्स को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में। या तो आप उसको कोई मैनिफेस्ट टेक्निक से मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, या फिर ऑटोमेटिकली ये इंसान आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है या आप उसको इतना सोच रहे हैं कि ये चीज़ें, इंसान भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। मान लो जैसे आप यही चाह रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स में आया था अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपकी लाइफ सेटल हो जाए, आपकी लाइफ में कहीं से इनकम आ जाए, आपका एक अच्छा सा घर बन जाए, तो वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ रही हैं मैनिफेस्ट, मतलब भगवान दे रहा है, क्योंकि आप उसको वो इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो तभी आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस जो है पॉजिटिव रखें, और अगर नेगेटिविटी है तो अपने आप को पॉजिटिव, अपना ऑरा क्लीन कराएं, या फिर खुद करें, या फिर अपने आप को एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं आप, मेडिटेशन करके, मॉर्निंग वॉक करके, अच्छे अच्छे लोगों से बात करके, जो इंसान आपको लगता है कि आपके साथ इसके थॉट मैच नहीं होते तो उससे एक डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि देखो कहते ना, वी ऑल आर टावर, मतलब हम भी एक फ़ोन की, सेल फोन की तरह हैं हम सब लोग। जैसे एक सेल फोन, मतलब एक इंसान कितनी दूर बैठा है और उससे बात हो रही है, उसकी हम वाइब्स जो हैं, वाइब्स के थ्रू हम जुड़ जाते हैं, तो ऐसे ही हम इंसान भी एक दूसरे की वाइब्स को कैच करते हैं। अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे आप फेयर हो ये भी फेयर नहीं है, तो आप उससे धीरे धीरे दूरी बना लें, रोज़ रोज़ कुड़ने की बजाय, रोज़ रोज़ दुखी होने की बजाय, रोज़ रोज़ उसको एक कहते हैं बलाएँ दे, नेगेटिविटी दे, उसका बुरा चाहें, इससे अच्छा आप एक दूरी बना लें उससे, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और वेल्दी रहिए। अपने आप वेल्दी हो जाएंगे जब आप यहाँ से हेल्दी रहेंगे, जब आप अपनी अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखेंगे, अपने आप हेल्दी भी हो जाएंगे, अपने आप वेल्दी भी हो जाएंगे। ओके, बाय।